नमस्ते सभी को। तो आज हम बात करने वाले ब्लैक एडम के बारे में, यानी काला आदम के बारे में। नहीं, हिंदी ट्रांसलेशन करना सही नहीं रहेगा। तो इस थर्सडे को, इस वीक, ब्लैक एडम इंडियन थिएटर में रिलीज हो गई है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक एडम के बारे में। ब्लैक एडम एक्शन कॉमेडी मूवी है, सुपर हीरो ओरिजिन है, जिसमें दिखाया अपने को ब्लैक एडम का, जिसको लोग पहले डेथ एडम के नाम से जानते थे। इस मूवी ने खुद बताया कि डेथ एडम का कैसे वो ब्लैक एडम बना, उस बारे में। एक तरह से सुपर विजन का बीच बीच में टिपिकल हो जाती है, बस ये एंडिंग और स्टार्टिंग है ना, वर्थ इट है। 2 घंटे की है, तो उसके कारण एकदम शॉर्ट एंड स्वीट लगती है। कल कभी ऐसा लगता है कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर दिया, पर हाँ, देख के लंबे बाद मजा आता है। तो अब सवाल है कि ब्लैक एडम का डीसी का यूनिवर्स क्या है, और ब्लैक एडम में कौन सी चीजें थी, मतलब जो अच्छी हो सकती है, थोड़ी कौन सी चीजें जो खराब है थोड़ी। तो ये स्पॉइलर रिव्यू होगा, थोड़ा सा आप देख लेना अपने हिसाब से। तो आज बात करें ब्लैक एडम में कौन सी चीज सबसे अच्छी है। ब्लैक एडम देखते हैं, 2 घंटे की एकदम शॉर्ट है, जिसमें कॉमेडी और एक्शन बहुत भर के है। स्टार्टिंग और जो एंडिंग है वो देख के है अच्छा लगता है, और बीच में थोड़ा लगता है कि थोड़ा बहुत कम पड़ रहा है, पर जो कम पड़ रहा है वो लगता है कि सुपर बीच टिपिकल सुपर हीरो ओरिजिन बन जाती है। पर है ना, ठीक है, मतलब जिस हिसाब से डीसी का जो लेवल था पहले का, मतलब पिछले एक साल में एक घोटा थे, तो क्या मैं डीसी बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं किया था डीसी ने। डीसी है ना, मूवी बहुत अच्छी डीसी लेवल के हिसाब से। मैं दूसरी सुपर से कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि दूसरा स्टूडियो आप समझ रहे हैं, डीसी बेचारा बड़ी मुश्किल से इस साल में दूसरी मूवी रिलीज हुई है डीसी की। अब तो अगली मूवी को 5 महीने बाद दिखने वाली सजा, वो भी अगले साल दिखेगी, और जब तक मार्वल 2-3 मूवी और निकाल देगा। देखिए, डीसी ये जो डीसी ने, मतलब मैं बहुत खुश हुआ जब डीसी ने ऐसी मूवी दिखाई। इसमें पीछे छठे मुझे थोड़ा सा लगा कि आरएटी कम किया उन्होंने, जहां मुझे टोन डाउन कर दिया, पर ठीक है। मतलब अगर पीजी 13 रखेंगे, अगर आरएटी रखेंगे, तो फिर तो हो गया बंटा यार। वैसे भी जिस तरह से पैसे की तंगी चल रही है, डीसी का ऊपर का हाउस बिक गया है, डिस्कवरी सन मर्जर हो गया, वरना ब्रोस का, उसके बाद तो पीजी 13 रखना पड़ेगा उन्हें। मतलब ये मूवी जिस तरह से हमने दिखाया, और डॉक्टर फेट, साइक्लोन और हॉकमैन का जिस तरह से हमने दिखाया कैरेक्टर, वो बहुत ज्यादा हैवी लगते कम्पेयर टू एटम स्मैशर के मुकाबले। एटम स्मैशर कॉमेडी कर दी, जिससे इसका कैरेक्टर थोड़ा लाइट सा पड़ जाता है, पर जिस तरह से डॉक्टर फेट का जो सैक्रीफाइस अल्टीमेट, डॉक्टर फेट ने हमने आपको गेम सैक्रीफाइस किया, डॉक्टर फेट मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह खुद पॉजिटिव भी देखी, एंड खुद सैक्रीफाइस भी होगा इस मूवी में। तो इस मूवी में ब्लैक एडम क्या था पता नहीं। ब्लैक एडम मतलब जिस तरह से देख के पहले मजा आया, ब्लैक एडम बताया कि उसने खुद अपने आप को सरेंडर किया, क्योंकि जैसे सोसाइटी रिलीज की बस की बात नहीं थी उसको पकड़ना, और उस चक्कर में बहुत सारे लोग मारे जाए थे, पर वो बुरे लोग थे, क्योंकि पर है ना, सुपर हीरो लोगों को नहीं मारते, पर वो सुपर हीरो नहीं है, वो एक एंटी हीरो, उसने बता दिया है। वो कहीं 3-4 हजार साल से सो रखा था, उसका जब जागता है पूरी दुनिया बदल गई है, तो चाहे कुछ कुछ रहने को लिए तो उसको सुला देते हैं, पर डॉक्टर फिट कुछ कारण की जैसे सब सबैक आता है तो उसको जगाना पड़ता है, उसके बाद सबैक की फाइनल बैटल है, बहुत अच्छी लगी बीच। पहली बात तो मेरे को मतलब देख के मेरे में मजा आ जाता है, आंखें वैसे वैसे भाई सब आंखें मतलब ठंडी, आपको ठंडक मिल जाती है सबसे, वो फाइटिंग सीन से देख के एंड स्टार्टिंग से एंडिंग तक। मतलब बात करते हैं इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा, इससे भी सिर्फ फ्यूचर इम्पैक्ट के एंड जो पोस्ट क्रेडिट सीन के आसपास था, जैसे सुपरमैन को दिखाया था, सुपरमैन और ब्लैक एडम कहता है कि मैं तुमसे बातचीत करने वाला हूँ, मैं तुमसे बातचीत करने वाला हूँ, और अपने को पता है कि ना ब्लैक एडम ना बातचीत करता है ना सरेंडर करता है, ये ब्लैक एडम ने खुद अपने मुंह से बताया था। तो अपने को पता कि आगे फाइट होने वाली है, और सबसे दिखता है अमांडा वाल्टर का कैमियो, जिसके अपने पता है कि इस मूवी में सुसाइड स्क्वाड, बैटमैन, फ्लैश एग्जिस्ट करते हैं, वहां तक प्रोबेबली शज़ाम भी एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि शायद उन्होंने वो 6 जादूगर दिखाए, जादूगर जिन्होंने कैद किया था, वो तो मतलब देखे मतलब समझ आया कि है। और सबसे जरूरी हाल, सबसे जरूरी जोकर, क्योंकि जोकर भैया जो बैडनेस करने वाला है, वो जोकर कौन सा होगा, क्या वो गैंगस्टर वाला जोकर होगा, या फिर कोई जिस तरह से जेरेड लीटो का जोकर है वो होगा, या फिर और कोई जोकर होगा, उनकी मर्जी है। फ्लैश मूवी में ये सब कुछ चेंज होने वाला है, और पहले खबर आई थी कि फ्लैश मूवी में सब चेंज हो जाएंगे, सिर्फ फ्लैश बचेगा कॉमन, अब फ्लैश छोड़ के सब सेम रह रहे हैं। मतलब डीसी का फ्यूचर बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, देख के अच्छा लग रहा है, और इस हिसाब से डीसी ग्रो कर रहा है, तो कंपटीशन आ रहा है सुपर हीरो को, मैं मारवल अकेला नहीं है टूर्नामेंट करेगा, डीसी भैया आ रहे हैं अपने डीसी फाइनली। पर देखिए डीसी में मैं तो एक्साइटेड हूँ, ये बहुत ज्यादा अच्छी मूवी है, और ये दिखा रहा है कि डीसी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और फाइनल इवेंट की तरफ इस इवेंट को लीड करेगा। पर दिक्कत ये जाती है कि सुपरमैन, मतलब सुपरमैन जो पावरफुल बंदा, उसके कारण थोड़ा सा लगता है ओवर पावर है ना, उसको मैनेज करना एक अलग ही टास्क होगा, क्या वो कर पाएगा डीसी,
पता नहीं अभी, तो भी तो फिर मतलब देख के मजा आएगा। मैं तो एक्साइटेड हूँ, मार्च में डीसी का अगला मारा जाए सजाम वाला, तो मैं तो देखने वाला हूँ। और जब तक मार्वल की तीन और वीडियो बना लेगा मैं तो एक्साइटेड हूँ। क्या बताइएगा आप, अगर आपने ब्लैक एडम देखी तो आपको बताइए ब्लैक एडम कैसी लगी आपको, और क्या आप क्या सोचना है डीसी के फ्यूचर को लेके, कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट।